इंटरनेट वाला लव में जय आध्या को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज तो जय आध्या के घर के नीचे खड़े हैं और उन्हें सॉरी बोलना चाहते हैं। तभी तो देखिए ना, जय आज किसी भी बहाने आध्या को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। काम करता हूँ, उसको मैसेज करके नीचे बुला लूंगा, 5 मिनट नीचे आगे मिल लेंगे। और जब आध्या जय के कॉल और मैसेजेस का रिस्पॉन्स नहीं देती है तो जय का भाई आध्या तक पहुंचने के लिए उसके घर के अंदर घुसने लगता है, लेकिन जय झट से मना कर देता है। अब भाई आध्या के पापा को तो आप सब जानते ही हैं कि गलती से भी कुछ देख लिया तो बना देंगे वो बात का बतंगड़। अंदर जिसो, अरे उसका बाप तो, उसके बाप ने ना बमसर मार मार के विकेट तोड़ देंगे, अंदर नहीं जा सकते। बहुत गुस्से वाला, उधर आध्या की नजरें अचानक से जय पर पड़ती हैं और जय को देखते ही आध्या गुस्से से तमतमा उठती है। आइए अब जय और आध्या के पास ही चलते हैं और उन्हीं से जानते हैं इस सीन के बारे में। शूट ये कर रहे हैं कि अब आप तो जैसे देखते आए हम दोनों की लड़ाई चले ही जा रही है और ये हमेशा मेरी बेइज्जती कर देती है। हाँ। और मैंने भी कुछ इस बार गलती की थी तो मेरी दादी ने बड़ा प्रेशर लगाया कि इसको जाकर सॉरी बोल के आ, मेरे घर वाले इसकी साइड में हो गए हैं। तो जय ने ज़िंदगी में मेरे ख्याल से किसी को सॉरी बोला नहीं है, तो इस बेचारी लड़की को आज उसने बड़ा दिल मार के अपना सॉरी बोलने आया है, या फिर कोशिश करा सॉरी बोलने की। अब आगे देखना पड़ेगा सॉरी बोलता है कि नहीं बोलता है। सो ये सीन उसके बारे में। आध्या, आप जय को देखकर शॉक्ड हो गई, क्या वजह है आखिर? ऑब्वियसली क्योंकि मतलब इतना परेशान कर चुका है ये, और ऊपर से इतने सारे प्रैंक्स, इतनी सारी मतलब बदतमीजियों के बाद ये फाइनली आया है और एकदम से मतलब सॉरी बोल रहा है, तो उसका ऑब्वियसली शॉक ही रहेगा कि मतलब ये सॉरी बोल ऐसे। हाँ, इसको लगता है जिंदगी में हमेशा तंगी करता रहता हूँ, अभी भी तो आज भी तंग करने ही आया होगा, तंग करने आया तो वैसे होता है कि रुक अभी रुक। शो नया है, नए फ्लेवर और नए क्लेवर के साथ कलर्स पर आया है, तो ये बताइए कि व्यूवर से कैसा रिस्पांस मिल रहा है शो को? रिस्पांस बहुत अच्छा है। सबसे पहले ये एक बहुत ही एक अलग शो है, मतलब पूरे इंडियन खाने के बीच में एक मैक्सिकन खाना डाला हुआ है, तो इसे डिफरेंट शो, लोगों को अच्छा लग रहा है, जो देख रहे हैं उनको बहुत पसंद आ रहा है और लोग जुड़ रहे हैं इससे, एंड बहुत लोग, सब लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं कि शो बहुत अच्छा है, बहुत यंग है, बहुत मतलब ऐसा कोई शो अभी तक अभी नहीं है आजकल, आप बहुत टाइम से देखा जाए, और कलर्स पे है, प्राइम चैनल में, नंबर 1 चैनल पे, तो वी आर होपिंग कि शो लोग और पसंद करें और देखें और जय और आध्या को और प्यार दें। जाते जाते ये भी बता दीजिए कि व्यूअर्स को आगे शो में और क्या क्या देखने को मिलेगा, कौन सा नया अपकमिंग ट्रैक शो में आने वाला है? सबसे पहले तो एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, भरपूर एंटरटेनमेंट है, बहुत मजाक मस्ती है, बहुत इमोशंस हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई आपको एक चीज़ वो कर रहे हैं, आपको हर एक फ्लेवर का एक मज़ा मिलेगा, एंड सब इट्स अ वेरी रियलिस्टिक क्यूट जोन, कोई ऐसा नहीं है कि जो होता ही नहीं है या फिर खाली ड्रामा डालने के लिए ड्रामा डाला हुआ है, बट अगर आप एक बार, अगर जिसने नहीं देखा है, रिक्वेस्ट एक बार आप अगर देखेंगे इंटरनेट वाला लव कलर्स पे तो आपको पसंद आएगा, और प्लीज देखिए। हाँ, इसकी क्यूट स्माइल के लिए देख लीजिए। वेल, आध्या ने तो जय को अभी तक माफ नहीं किया है, अब आध्या जय को माफ करती है या नहीं ये भी यूमियो टीवी आपको जल्द ही बताएगा। मुंबई से ज़ारा खान की रिपोर्ट, E24।